Good morning, everyone. So in the previous video, we have started self-practice 9A and you were given homework to solve till question number 6. So we'll discuss today, move forward in question number 7. Question number 7 kya hai? Ragini bought an energy efficient washing machine. She will save about 15 liters of water per wash load. एक बार धोने में 15 लीटर पानी वो सेव करेगी, ठीक है. राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन टू डिस्क्राइब हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर वाई रागिनी सेव्स फॉर एक्स लोड्स ऑफ लॉन्ड्री शी वॉशेस. ठीक है, हर बार धोने में कितना पानी सेव करती है. एवरी टाइम शी वॉशेस शी सेव्स 15 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक, तो एक लोड पे एक बार धोने में 15 लीटर. अगर एक्स लोड्स धोई है तो एक लोड में कितना है 15 लीटर्स. ठीक है, एक लोड में 15 लीटर सेव करती है. तो अगर एक्स बार वो धोई है तो कितना होगा 15x के बराबर होगा. ठीक, 15x के बराबर होगा. एंड शी सेव्स वाई वाटर, वाई अमाउंट ऑफ वाटर. तो आप 15 लीटर एक बार सेव करते हैं, एक्स टाइम्स धोए हैं कपड़ा, तो 15x लीटर्स ऑफ वाटर शी आर सेव्ड. ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में टोटल वाटर सी सेव्ड दैट विल बी इक्वल टू वाई. वाई का वैल्यू कितने के बराबर होगा, वाई इज इक्वल टू 15x हो जाएगा. दिस विल बी द इक्वेशन. क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी सेव्स 50 वाई अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल वाटर कितना वो सेव की वाई. ठीक है, और एक बार धोने में कितना कपड़ा पानी धो बचाती है 15 लीटर्स. तो एक्स टाइम्स कपड़ा धोई तो कितना पानी बचाएगी 15x. ठीक है, तो डैट विल बी इक्वल वाई विल बी इक्वल टू 15x. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 7B. इफ रागिनी डज 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री डेली हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर विल सी सेव इन एंड ऑफ द ईयर. ठीक, तो एवरी डे एक ही बार कपड़ा धोती है, एक दिन में एक बार कपड़ा धोई तो कितना पानी सेव की 15 लीटर्स ऑफ वाटर शील सेव. ठीक है, एक दिन में 15 लीटर्स ऑफ वाटर, तो एक साल में कितना सेव करेगी 365 का निकालना है. तो अब एक बार बताओ, तब इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आ चुका है. डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है ना, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि एक दिन में 15 लीटर हम पानी सेव करते हैं और तो निकालना है कि 365 डेज में हम कितना पानी को सेव करेंगे. तो ऑब्वियस है बात है, हम दिन को बढ़ाए हैं तो ज़्यादा पानी भी सेव करेंगे, जितना ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा पानी सेव. तो ऊपर क्या रखें, यहाँ पर रख दिया आपका डेज. ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए वाटर. आप वाटर ऊपर रख सकते हो, डेज भी ऊपर, कहीं भी आप ऊपर नीचे इसको प्लेस कर सकते हो. और इसको क्या मान ली एक्स, और ये हो गया आपका वाई. एक दिन में कितना वाटर सेव करते हैं 15 लीटर्स. ठीक, तो आपको निकालना कितने का है 365 डेज का. मान लीजिए उसमें एक्स, या फिर यू आर अज्यूमिंग इट एज टी लीटर्स ऑफ वाटर यू आर सेविंग. तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट वेरिएशन का अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि हर बार एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, या वाई बाई एक्स का जो रेशियो होगा, वो हर बार कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा 1/15 का जो रेशियो होगा, वही रेशियो आपका 365/T का रेशियो होगा. या फिर 15/1 का जो रेशियो होगा, वही रेशियो वाई टी बाई 365 का होगा. रेशियो क्या होगा, बराबर होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, T is equal to 365 into 15, and when you will multiply it, you will get 5475 liters of water in 365 days. एक दिन में अगर 15 हुआ, 365 दिन में कितना हो जाएगा 5475 liters of water. Okay. Now moving to question number 9 में देखिए. The height to which a balloon with hydrogen gas rises in air varies directly as time. मतलब एक बलून जो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ रहता है, वो डिपेंड कितना ऊपर जाएगा वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है. ठीक, इट वैरीज डायरेक्टली विद टाइम. जितना देर तक वो बलून उड़ेगा, बलून हवा में रहेगा, उतना ही ऊपर हो जाएगा. क्लियर. Given below are some observations about the time and the corresponding heights of the balloon. Find the measuring terms in the table.
अब एक बार बता, ये डायरेक्ट वेरिएशन अगर है तो डायरेक्ट वेरिएशन में हर बार रेशियो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, हर बार रेशियो सेम आएगा, ठीक है, हर बार रेशियो सेम आएगा। अब एक बार बताओ, इसमें देखो कि हर हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक एक रो में एक आपका ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। हर बार यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, इन दोनों, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। और रेशियो क्या आएगा आपका, जैसे ये टेबल देखिए, यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है, यहाँ पे ये रेशियो क्या आएगा, 4/48, 4/48, तो 4/48 कितना रेशियो हो गया, दिस इज़ 1/12 का रेशियो हुआ, ठीक है, ये 1/12 का रेशियो हुआ। तो इधर भी आपका 1/12 का रेशियो होगा। डायरेक्ट वेरिएशन का अगर ये क्वेश्चन है तो रेशियो हर बार बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हम इसको क्या अज्यूम कर लें, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि 3/x वुड बी इक्वल टू 4/48, ठीक है, 3/x, अगर यहाँ पे एक्स रहता, एक्स हाइट रहता, तो 3/x वुड बी इक्वल टू 4/48। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो इक्वल होता है, आप इसको कट कर सकते हैं 1 और 12, ठीक है, तो क्या आया, 3/x इज इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 36, 36 मीटर, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 36 मीटर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, अगर इसको वाई मान ले, ठीक, इसको वाई मान ले तो कितना हो जाएगा, 4/48 इज इक्वल टू 1/84, कितना हो जाएगा, 4/48 इज इक्वल टू 1/84, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 48y इज इक्वल टू 84 × 4, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 × 4/48, यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्लियर, और ये कट हो जाएगा आपका 7 टाइम, वाई का वैल्यू कितना हो गया, 7 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 7 मिनट्स। सिमिलरली आप ये दोनों ब्लैंक निकाल सकते हो, 4/48 इज इक्वल टू 25/z, ये दोनों रेशियो बराबर, 4/48 इज इक्वल 25/z, जेड का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, फिर 4/48 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, 4/48 इज इक्वल टू a/1860, इन दोनों को सॉल्व करने से ए का वैल्यू आ जाएगा, ओके, तो यू कैन फाइंड ऑल द ब्लैंक्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या लिखा हुआ है, इफ डी वैरीज डायरेक्टली एस टी एंड इफ डी इज इक्वल टू 4 वेन टी इज इक्वल टू 9, ठीक है, डी किस पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है, तो टी ऊपर और डी नीचे, ठीक है, तो अगर टी का वैल्यू 9 है तो डी का वैल्यू कितना होगा, 4, ये दिया हुआ है कि डी वैरीज डायरेक्टली एस टी, मतलब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ओके, ठीक है, डी और टी लिख दिए, अगर टी 9 है तो डी का वैल्यू कितना है, 4 है, और आपको डी का वैल्यू निकालना है, अगर टी का वैल्यू 21 है तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वेरीज डायरेक्टली है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो टी और डी का जो रेशियो होगा, टी बाई डी या डी बाई टी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो आप बोल सकते हो कि 9/4 इज इक्वल टू, अगर इसको एक्स मान लें, 21/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x इज इक्वल टू 21 × 4, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 × 4/9, ओके, 7 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, और यहाँ पे 3 कितना आया, 28/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना है, ये वैल्यू आया 28/3, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष टेक्स 150 स्टेप्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर, 150 स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 125 मीटर, तो 360 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो, स्टेप्स और नीचे डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस ऊपर रख सकते हो, स्टेप्स नीचे रख सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी अप और डाउन। तो 150 स्टेप्स में कितना ट्रैवल करता है, ही ट्रैवल्स 125 मीटर, ठीक, और आपको निकालना है हाउ व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप्स, 360 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। हम इसको क्या अज्यूम कर लिए, इसको अज्यूम कर लिए एक्स, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्टली वैरी कर रहा है, आप इसको रीड भी कर सकते हो कि 150 स्टेप्स में 125 मीटर का डिस्टेंस, तो 360 स्टेप्स में स्टेप्स को हम बढ़ा दिए तो ज़्यादा डिस्टेंस भी तो हम कवर करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 150/125 इज इक्वल टू 360/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 150 × x इज इक्वल टू 360 × 125, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 × 125/150, इसको कट कीजिए, ये कट होगा 25
टाइम्स 25, सिक्स टाइम्स ये कट हुआ, और यहाँ पे 6 वन टाइम्स एंड 6 60 टाइम्स। ओके तो x का यहाँ से वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हो गया आपका 300, 300 स्टेप्स, 300 मीटर। ठीक है, तो 360 स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे, 300 मीटर। ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चंस। दीज वीडियोज़ विल हेल्प यू इन सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 9A, और जो भी आपको जो डाउट होगा वो आप ऑनलाइन क्लासेस में आप पूछ लीजिएगा। ओके थैंक यू।